एक तरफ हम गरीबों के लिए घर, शौचालय, रसोई गैस, पीने का पानी, बिजली, मोबाइल, इंटरनेट, सड़क, रेल कनेक्टिविटी जैसी बहुत ही मूल जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। जी हाँ भाई बहनों, बिल्कुल सही सुना आप लोग ने। अगर आपके घर में कोई भी सरकारी नौकरी नहीं करता है, प्रति महीना आपके परिवार को 1,500 रुपए की धनराशि मिलेगी। जैसे हमारे देश में 11 करोड़ से अधिक परिवारों को यह पैसा मिलना चालू हो चुका है। आपको बता देना चाहते हैं भाई बहनों, हमारे देश में जनधन योजना के अंतर्गत जो लोग गरीबी रेखा में आते हैं उनके परिवार को 1,500 रुपए प्रति महीना मिलेगा और मिल रहा है। और अगर आप लोग गरीबी रेखा में आते हैं, आपके परिवार में कोई भी सरकारी नौकरी नहीं करता है, एक निःशुल्क आवेदन कर दीजिए, जिसके बाद ये पैसा जैसे 11 करोड़ लोगों को मिल रहा है आपको भी चालू हो जाएगा। आप लोगों को बता दें, 2 दिन पहले माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को संबोधित करते हुए कई बड़ी सरकारी योजनाओं की शुरुआत की है, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हमारे देश में 5 लाख से अधिक लोगों को उत्तर प्रदेश में खुद का मकान दिया गया है। बात कर लें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की, उसके अंतर्गत अभी 2 करोड़ लोगों को मुफ्त में गैस सिलेंडर चूल्हा दिया जाएगा। भाइयों बहनों, कई ऐसी सरकारी योजनाएं चालू की गई हैं जिसके बारे में अगर आप लोग जान लेते हैं तो आप लोग अपना ही नहीं अपने पूरे परिवार का भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। अब आपको हम बताने आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चालू की गई जनधन योजना के अंतर्गत जुड़ने के बाद कैसे आपको प्रति महीना 1,500 रुपए की धनराशि मिलेगी। लेकिन हम आपको पहले सचेत कर देना चाहते हैं, इस योजना में आप लोग तभी जुड़ सकते हैं जब आपके घर में कोई भी सरकारी नौकरी नहीं करता होगा। अगर आप लोग सरकारी नौकरी करते हैं और इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर देते हैं, आपके ऊपर पेनाल्टी लग सकती है। भाइयों बहनों, बता देना चाहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी जनधन योजना के अंतर्गत किसानों के लिए अलग योजना चालू की है, विकलांग, मजदूर, बेरोजगार वर्ग के भाइयों बहनों के लिए अलग योजना चालू की है और महिलाओं के लिए अलग योजना चालू की गई है, जिसमें महिलाओं को 6,000 रुपए की धनराशि जनधन योजना के अंतर्गत मिलेगी। तो कौन कौन सी योजना किन किन के लिए चालू की गई है, अपने 2 से 3 मिनट के वीडियो में हम आपको बताने आ रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक देखिएगा। भाइयों बहनों, 1,500 रुपए की राशि किसी एक आम आदमी के लिए बहुत मामूली रकम हो सकती है, लेकिन इसी से कई लोग अपने घर का लालन पोषण करते हैं। तो अगर आप लोगों को भी यह पैसा अपने जनधन खाते में चाहिए, बिना भगाए इस वीडियो को अंत तक लास्ट तक देखिएगा, वरना अगर आप लोगों को आवेदन करने की प्रक्रिया नहीं पता होगी, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आप लोगों को प्रति महीना 1,500 रुपए की धनराशि नहीं मिलेगी। अब आपको बता देना चाहते हैं, सबसे पहले आप लोगों को यह जान लेना है, इस योजनाओं के अंतर्गत आप लोग तभी आवेदन कर सकते हैं जब आपके घर में कोई भी सरकारी नौकरी नहीं करता है। जैसे आप लोग अगर गरीबी रेखा में आते हैं तभी आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा। दूसरा, अगर आपका एक जनधन खाता अभी तक सरकारी बैंक में नहीं है, आज ही जाकर जनधन खाता खुलवा लें। जनधन खाता निःशुल्क खुलता है, जनधन खाता खुलवाने में 1 भी रुपया नहीं लगता है। तीसरा, आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों आपके जनधन खाते से लिंक होना चाहिए। और चौथा, आपको यह ध्यान रखना कि अगर आप लोग टैक्स के दायरे में आते हैं तब भी आप लोग आवेदन नहीं कर सकते हैं। अगर आप लोग इन शर्तों के अंतर्गत आते हैं, एक निःशुल्क आवेदन कर दीजिए, जिसके बाद प्रति महीना आपको 1,500 रुपए की धनराशि कैसे मिलेगी चलिए वो भी आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले क्विक अपडेट दे दें, हमारे चैनल के माध्यम से एक महाप्रतियोगिता कराई जा रही है जिसमें आप लोग जीत सकते हैं सैमसंग का 4G फोन। हमारे चैनल के माध्यम से 5 लोग चुने जाएंगे और 5 लोगों को एंड्रॉइड मोबाइल दिए जाएंगे। आपको कमेंट बॉक्स में सिर्फ इतना उत्तर देना है, आपके हिसाब से नरेंद्र मोदी जी की सबसे अच्छी सरकारी योजना कौन सी है। आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। जो कमेंट बॉक्स में सही उत्तर देगा, वीडियो लाइक करेगा, चैनल सब्सक्राइब करेगा, उन्हीं में से 5 लोग चुने जाएंगे और 5 लोगों का एंड्रॉइड मोबाइल इसी हफ्ते उनके घर तक भी पहुंचा दिया जाएगा। तो सबसे पहली योजना पे नजर डाल लेते हैं भाई बहनों। सबसे पहली ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है किसानों के लिए। आपको बता दें, अगर आपको नहीं पता है, माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत हमारे देश के किसान जो हैं उनको सालाना 3 किस्तों में 6,000 रुपए की धनराशि मिलती है। लेकिन अब हमारे देश की जो सरकार है वो नीति बना रही है कि इस पैसे को दुगना कर दिया है, मतलब 12,000 रुपए कर दिया है। मतलब अगर आप लोग खेती करते हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जुड़ जाते हैं, आपको सालाना 12,000 रुपए मिल सकता है। फिलहाल के लिए आपको 6,000 रुपए सालाना मिलेगा। आवेदन कैसे करना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत, इसका सारा पोस्ट बनाकर हमने अपनी कम्युनिटी में डाल दिया है, यहां पर समझाएंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। दूसरी खबर निकल के आ रही है महिलाओं के लिए। अगर अब कोई भी महिला पहली बार गर्भवती होती है, उसको नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र जाना है, अपना रजिस्ट्रेशन जनधन खाता नंबर देना है, जिसके बाद 3 किस्तों में 6,000 रुपए की धनराशि केंद्र सरकार की तरफ से मिलेगी उस गर्भवती महिला को अपने शिशु का लालन पोषण करने के लिए। और तीसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है उन लोगों के लिए जिनके परिवार में कोई भी सरकारी नौकरी नहीं करता है। अगर आपके परिवार में कोई भी सरकारी नौकरी नहीं करता है, आपको प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का फॉर्म भरना है। अब ये वो योजना है जिसके अंतर्गत अगर आप लोग 18 साल से 40 साल की उम्र के बीच में आवेदन कर देते हैं और आप लोग इस योजना के अंतर्गत जुड़ जाते हैं, जैसे ही आपकी उम्र 60 साल पहुंचती है, आपको प्रति महीना 1,500 रुपए से लेकर 3,000 रुपए की पेंशन मिलना चालू हो जाती है। बिल्कुल सही सुना है भाई बहनों आप लोग ने, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत सिर्फ आपको जुड़ना है। अब इसमें अगर आप लोग आवेदन करना चाहते हैं, नजदीकी
पोस्ट ऑफिस में चले जाएं, वहां पर आपको इसका फॉर्म मिल जाए। और अगर अधिक जानकारी आपको चाहिए हमारी कम्युनिटी में चले जाएं, वहां पर हमने पॉइंट टू पॉइंट सब कुछ लिख दिया है, पढ़कर आप लोग आवेदन कर सकते हैं। यहां पर समझाएंगे वीडियो लंबा हो जाएगा और आपका हम समय व्यर्थ नहीं करना चाहते हैं। इस तरीके की हर सरकारी योजना जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, मोबाइल जीतना चाहते हैं वीडियो लाइक करें, भारत माता।